टैक्सी वाले ने मुझे सुबह 5:20 पर मेरे कॉलेज के गेट पर छोड़ा। मैं 2 महीने की लॉन्ग वेकेशन के बाद लौटा था। अब मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर शुरू होने वाला था। गेट पर कोई गार्ड नहीं था, जो कि बड़ी अजीब बात थी, पर इतनी सुबह का वक्त था तो मुझे लगा शायद यहीं कहीं सो रहा होगा। मैं अंदर गया और अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगा, जो कि गेट से आधा किलोमीटर दूर था। हमारा पूरा कैंपस बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधों से भरा हुआ है और सुबह सुबह काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था, पर अजीब बात यह थी कि इस समय तक कोई ना कोई उठ जाया करता था, या तो कोई फैकल्टी मेंबर जॉगिंग करते हुए, या फिर अपने पेट को घुमाते हुए, या फिर झाड़ू लगाने वाला, या प्लेयर्स ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए दिख जाया करते थे। पर आज कोई भी नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि किसी की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। सुनाई दे रही थी तो बस हवा की वजह से पेड़ों की पत्तियों की हिलने की आवाज़, या फिर चिड़ियों की आवाज़। और तब मुझे लगा कि कहीं किसी वजह से वैकेशन तो नहीं बढ़ गई और सिर्फ मुझे ही पता ना चला हो, और मैं बस इस 250 एकड़ के कैंपस में घूम रहा हूँ अकेले। इतनी बड़ी जगह पर अकेले होने की बात सोचकर ही डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने एक दोस्त को कॉल किया कि वो आ रहा है या नहीं। उसने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया और उसने कहा कि वो भी हॉस्टल में ही है, पर वो अकेला है और कोई भी नहीं है, और उसे भी थोड़ा सा डर लग रहा है, और वेकेशन बढ़ने की तो कोई न्यूज़ नहीं मिली कॉलेज की तरफ से। तब मुझे थोड़ी राहत मिली कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ और वेकेशन भी एक्सटेंड नहीं हुई है। मैं हॉस्टल पहुंचकर अपने रूम में गया और अपने बैग्स को अपने रूम में रखकर अपने दोस्त के पास गया। वो रूम में नहीं था। मुझे लगा कि वो शायद किसी और के कमरे में होगा, तो मैंने उसे ढूंढना शुरू किया, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं उसे ढूंढते ढूंढते हॉस्टल की लॉबी में आ गया और तभी मेरा फ़ोन बजा। ये मेरे उसी दोस्त का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, वो घबराते हुए मुझसे ही पूछने लगा कि मैं कहाँ हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं हॉस्टल में ही हूँ, मैं उसके रूम में गया था पर वो मुझे दिखाई नहीं, तो मैं उसे ढूंढते हुए लॉबी में आ गया। और मेरे ऐसे कहते ही वो मुझ पर चिल्लाने लगा, कोई मजाक चल रहा है क्या? देखो यार, अब बहुत हो गया है, 4 घंटे से मैं लॉबी में बैठा हूँ और जिसे भी कॉल कर रहा हूँ वो मुझसे यही कह रहा है कि वो भी लॉबी में है। देखो अब बहुत हो गया, ज्यादा हो रहा है। और उसे सुन के मुझे लगा कि वो मुझसे मजाक कर रहा है, क्योंकि लॉबी में मैं सिर्फ अकेला था, इसलिए मैंने कॉल काट दी। तब मैं बाथरूम में गया अपना फेस धोने के लिए और फिर एक टॉवल लिया पूछने के लिए, और जैसे ही मैंने अपनी गर्दन उठाई शीशे में देखने के लिए, मेरी अंदर तक रूह कांप गई। ऐसा लगा मानो कि कोई करंट सा दौड़ गया हो मेरी कमर की हड्डी से लेकर सर तक। शीशे में कोई नहीं था। मैं अपने आप को शीशे में देख ही नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं था वहां। मैं बस पीछे की दीवार को ही घूरता रहा जब तक कि मैं डर से बेहोश नहीं हो गया था।